शाम को पीटीएल इंचार्ज में ड्यूटी पर था मैं। 7:30 पे तीसरे राउंड के लिए निकला और मैं क्लो टू नंबर गेट पे पहुंचा जो हमारा इमरजेंसी फायर गेट है। इमरजेंसी गेट पे मैंने पहुंचा, वहां पे एएसआई मंगल सिंह ड्यूटी पे थे और मैंने उनसे बीट बुक मांगी साइन करने के लिए। फिर मैं उनसे थोड़ा बात करने लगा, मैंने देखा कि ऊपर से एयर इंडिया एक्सप्रेस का एक फ्लाइट डिसबैलेंस होकर नीचे पैरामीटर हॉल की तरफ, पैरामीटर रोड की तरफ नीचे गिर रहा है। तभी मैंने तुरंत कंट्रोल रूम को इन्फॉर्म किया, तब तक वो नीचे गिर चुका था। मैंने कंट्रोल रूम को इन्फॉर्म किया, शिफ्ट आईजी को इन्फॉर्म किया और सर लाइन मेंबर्स के लिए बीएचएम को लाइन में कॉल किया। उसके बाद अथॉरिटी का हमारा क्यूआरटी और फायर और सर लाइन मेंबर्स रेस्क्यू के लिए आ गए। गेट नंबर 8 को सर हमने इमीडिएट खोला और गेट नंबर 8 को खोलने के बाद 25-30 वॉलंटियर्स अंदर आए, एक जेसीबी अंदर आई और सर जो मलबे को निकाल रही थी जिसमें से पैसेंजर्स जो नीचे दबे हुए थे उनको निकाला जा रहा था और हम मैं सर अंदर घुस के और हम लोग सीआईएसएफ वाले अंदर से रेस्क्यू कर रहे थे पैसेंजर्स को और सर बाहर निकाल रहे थे। गेट नंबर 8 से एम्बुलेंस आई, उनमें सर रेस्क्यू करके उन पैसेंजर्स को डाला जा रहा था।